अरे भाभी आप यहाँ बैठी हैं, हम तो आपको पूरे घर में ढूंढ आए। अरे आओ सकीना बैठो। वैसे भाभी एक बात पूछें? अरे एक क्या दो पूछो, आज तो हम वैसे ही बहुत खुश हैं। क्या बात है, मिश्रा भाईजान वो दो तोले का हार बनवाने के लिए तैयार हो गए क्या? या फिर गुड्डू का रिजल्ट आ गया? क्या रहा गुड्डू का? अरे उस हार की तो बात ही मत करो सकीना, चार बार बिंदी बदलने की धमकी दे चुके हैं मिश्रा जी को, लेकिन मिश्रा जी एकदम चिकने घड़े हैं, इनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। और रही बात गुड्डू के पास होने की, तो गुड्डू क्या हमारे सारे बच्चे बहुत बढ़िया नंबर से पास हुए हैं। पर हमें तो पता चला था कि गुड्डू लटकते लटकते बचे हैं। पर लटका तो नहीं ना। अरे अब इतने कठिन कठिन सवाल पूछेंगे तो वो क्या हम और तुम भी फेल हो जाएंगे। भाभी बात तो एकदम दुरुस्त है, वैसे इनाम बता रहे थे कि गुड्डू आजकल पढ़ाई लिखाई छोड़कर सारा दिन फोन में लगे रहते हैं। याद आया उनको हीरो बनने का शौक चढ़ा है। अच्छा, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब सोचो जरा, कल अगर हमारा गुड्डू हीरो बन गया तो हमारे साथ साथ तुम्हारा भी तो नाम हो जाएगा। क्या हुआ भाभी? अरे ये देखो सकीना, अपने फोन में देखो ना, टुक टुक का वीडियो आया है। और भाई क्या चल रहा है, ग्रुप खोलो। अरे देखो जरा पारो अपने पति को कैसे लपेट लपेट के मार रही है। वाह भाभी क्या मजेदार वीडियो बना है, इतनी पिटाई। कहीं इमरजेंसी वाला पति इमरजेंसी में ना चला जाए। अरे लेकिन ये है तो गलत बात। अरे भाई हम कहते हैं अपने पति से कितना भी काम करवाओ, झाड़ू लगवाओ, पोछा लगवाओ, बर्तन धुलवाओ, कपड़े धुलवाओ, सही है। अरे लेकिन ये क्या बात हुई कि उसको मारते हुए उसका वीडियो बनाओ और सारी दुनिया में फैला दो। अरे भैया हमको तो कोई कितना भी पैसा दे लेकिन हम अपने मिश्रा जी को मारते हुए वीडियो बनाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तौबा तौबा, हम भी। अरे पता नहीं आजकल ये समाज किस तरफ जा रहा है। चलो चलते हैं, हमको तो मिश्रा जी को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, बहुत काम है। ठीक है। हाँ, तुम्हारे पास बंगला है, मोटर है, रुपया है, पैसा है, और मम्मी भी, और हमारे पास पापा हैं। क्या हो, क्या हो रहा गुड्डू बेटा? बाप ना मार सके मेडिकी बेटा तीरंदाज। हम वहाँ लखनऊ में कत्था चूना रगड़ रगड़ अपनी जान दिए दे रहे हैं और तुम यहाँ किताबें बंद करके वीडियो बना रहे हो, हाँ हाँ कर रहे हो। नहीं नहीं पापा, हम तो अबे मारे घंटा घुमा के चल भाग यहाँ से, चुप भाई छोड़ भाग। क्या हुआ गुड्डू, इतने गुस्से में क्यों? कुछ नहीं नाम भैया, मोबाइल चला रहे थे तो पापा ने मोबाइल छीन लिया। अरे कोई बात नहीं गुड्डू, हमारा मोबाइल है ना, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर वीडियो बनाते हैं। हाँ, और तुम दोनों अपने अपने टुकटुक अकाउंट पर इस वीडियो को अपलोड कर देना। हाँ आ जाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ।
अरे म्यूजिक, हम भी डांस करेंगे। अरे वाह। वाह, क्या वीडियो बनाया आज का। बस दादी होती तो एक अलग इंप्रेशन होता, लेकिन दादी से बात कौन करेगा? अरे हम बात करेंगे दादी से। यस! बेटा तुम रुको, ये लगाइए मिश्रा जी पान। ये लगाओ बनारसी पत्ता। भैया वैसे हाथ चलता चाहे जहाँ हो ही आयो। चलो बप्पू भैया, तो हमारे तो तुमका पते। ये लीजिए बिट्टू भैया। मिश्रा जी, तुम्हारे हाथ में जादू है, पान खा के बिल्कुल चैतन्य ही आ गई शरीर में यार। यार मिश्रा, ऐसा पान बनाओ कसम तो दिमाग बनना गया। आप लोग पान खा रहे हैं? अच्छी बात है, पान खाइए, दीवारें रंगीन करिए। और इधर मिर्जा भाईजान ने कांड कर दिया है। देखिए बात ये है कि अपने मिर्जा भाईजान लखनऊ के बेस्ट रोमांटिक हीरो बन गए हैं। तो कहीं का। अच्छा मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि देखिए ये वीडियो देखिए देखिए। कौन है ये गुस्ताख जो वीडियो बनाकर हमारी निजी जिंदगी को सरेआम नुमाइश कर रहा है? जिसने भी किया है बहुत सही काम किया है। अरे कुछ तो बाहर आया, नहीं तो अभी तक सिर्फ कूड़े बाहर आ रहे थे। अरे मेरा मतलब है कूड़ा करकट। ये सारा कांड आपके अपने सगे लड़के ने किया है, उसी की आईडी से ये वीडियो शेयर हुआ है। देखिए देखिए इनाम ने बाबू सही। आज को हम इनाम को 10 रुपए अलग से इनाम में देंगे। अरे कूड़े, जरा देखो वीडियो पे क्या क्या कमेंट आए। देखिए ये देखिए पहला कमेंट है, तो अब ऊद बिलाव जैसी शक्लो सूरत के लोग भी वीडियो बनाने लगे। ऊद बिलाव। दूसरा कमेंट लिखा है, ए गरीबों के राहुल रॉय, अगर दोबारा ऐसी वीडियो बनाई तो पीछे भालू छोड़ देंगे। आगे लिखा है, क्या लिखा है? क्या जोड़ी है रब ने बना दी जोड़ी। अरे आगे पढ़ो यार, रब ने बना दी जोड़ी। आगे लिखा है कि ऐसी जोड़ियां तो जन्नत में तैयार होती हैं। क्या उल्टा सीधा पढ़ रहा है, जो लिखा है वही पढ़ रहे, जन्नत में तैयार होती है। उसके आगे लिखा है इनको तो हॉलीवुड का हीरो बनना चाहिए। हॉलीवुड में तेरे टोपे इधर बना, डॉक्टर घूम रहा है। मैं मोबाइल एक देख देख करके पढ़। बहुत सुंदर जोड़ा है। उत्तरी, अरे यार ये वही है जो फेमस हुआ है टुक टुक पे ना। चल 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 यार सेल्फी लेते हैं, आ जा जा सर, एक सेल्फी ले ले। हाँ हाँ ले लीजिए। रुकिए रुकिए, ये नीले पीले कौन लोग आ रहे हैं? मिया जरा इन लोगों को फोटो से काट देना सर, एक वीडियो। हाँ हाँ बनाए बना रहे, भाग जा, भाग भाग ठीक है, भाग भाग भाग। यो बनाएंगे, बड़े सेलिब्रिटी बने हैं। मुझे सलाम। मिया देखा आपने, अब हम सिर्फ लखनऊ में नहीं
पूरे कानपुर के भी सेलिब्रिटी बन गए। तुम एक काम करो, तुम अपने पैरों में घुंघरू बांध लो और अनारकली की तरह नाच ले। अगर ये घुंघरू बांध के नाचे लगी है और मोहल्ले में कोई खुशखबरी हुई तो फिर बाहर वाले की जरूरत ना पड़ी, यही सब निपटाइए। बिट्टू मियाँ, आप अपनी नेतागिरी पे ध्यान दीजिए, ज्यादा ऐरे गहरे लोगों की हाँ में हाँ मत मिलाइए, वरना आप भूल गए शायद हमारी दुकान पे आपकी उधारी की कॉपियां भरी पड़ी हैं। अगली बार आप आएंगे तो आपको बोर्ड मिलेगा कि नगद बड़े शौक से और उधार अगले चौक से। तुम यार मिर्जा खाम खाई तगवाने लगते हो यार, हम लोग नेता आदमी हैं यार, सामाजिक लोगों को आगे बढ़ाते हैं, हैं? तुम्हारे जैसा इतना बड़ा सेलिब्रिटी हमका बिट्टू भैया नाम से बुलावत है, ये का कम है का यार हमरे लिए? बस मियाँ, ऐसे ही कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। उड़ लियो मिर्जा जितना उड़े है तुमका, जौने दिन चक्कर में फंस गए हो ना, खुद समझ में आ जाए तुमका, को कायदे में रही को फायदे में रही। ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और ये मुझे जीत रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इसके अंदर टुक टुक का भूत घुस गया है, हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं। सुबह से 15वां मरीज है। हाथ जोर से पकड़ो इसका। हाथ छोड़िए इसका। और ये मैं हूँ, ये डॉक्टर साहब है और यहाँ पे मेरा इलाज हो रहा है। पकड़ो। डरने की कोई बात नहीं मिश्रा जी, ये बीमारी छूने से नहीं फैलती है। बहुत नाजुक हालात हैं तुम्हारे दोस्त के। हमारा दोस्त ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर कूड़ेलाल के पास हर मर्ज का इलाज है। एक काम करना, पेशेंट को कुर्सी में बांध देना, उसके बाद इनको लगाइएगा 5 भन्नाटेदार कंटा और उसके 5 मिनट के बाद 2-2 मिनट के अंतराल पे चप्पल से इनके खोपड़ी पर सुताई करिए और इनका मोबाइल लेकर वीडियो बना के इन्हीं के अकाउंट पे पोस्ट कर दीजिए और उसके बाद देखिए 24 घंटे के अंदर कैसे इनकी तबीयत हरी भरी हो जाती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। रुकिए, धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब कभी तो फीस ना लिया करो। और ये मैं जा रहा हूँ। कानपुर में भी लूटपाट मचाए हो मिश्रा जी? लोगों का इलाज करना लूटपाट नहीं है, समाज सेवा है। अबे ये कौन सी बीमारी है जिसका इलाज कंटाप मारने से होता है? तो फेंके रहो, सबकी जेब काटे रहो तुम। मिश्रा जी, जिस दिन आपको ये बीमारी लग गई ना, उस दिन आइएगा हमारे पास, फिर आपको बताएंगे कैसे दिन का चैन और रातों की नींद खो जाती है। लोग अपना मोबाइल लेके दिन भर वीडियो बनाया करते हैं ऐसे। अरे भगवान की कृपा है हम पर और हमारे परिवार पर, हम लोगों को अभी तक ये बीमारी नहीं लगी है। गजब ही हो गया। जानते हैं आज क्या हुआ? आज हमें मोहल्ले की इतनी सारी औरतों के फोन आए, वो वीडियो देख के कह रही थी कि आपके शोहर कितने रोमांटिक हैं, काश हमारे भी होते। और पता है शांति भाभी ये सब देख के चल बन गई। बेगम, हमें भी बाजार में अपनी कुछ ऐसी ही तारीफ सुनने को मिली। हमारी तारीफ हो रही थी और किसी की छाती पर सांप लौट रहे थे। मिया, हम क्या कहते हैं, हम दोनों को ना ऐसी वीडियो और बनानी चाहिए ताकि आप और हम और मशहूर हो सके। ऐ मेरे लगते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर जफर, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप दोनों मिलके वीडियो बना रहे हैं? जफर मिया, हमें अपने घर में ये कतई मंजूर नहीं। अम्मी जान, आजकल वक्त बदल रहा है, लोग इन वीडियो के जरिए अपने अंदर का हुनर बाहर निकाल रहे हैं, लोग अपने आप को पहचान रहे हैं। अम्मी जान, हम तो कहते हैं कि आप भी एक वीडियो बना के अपने अंदर का हुनर बाहर निकाल लीजिए। ऐ मियां, आप ही अपनी बेगम के दिखाए रास्ते पर चलिए, हमें नहीं निकालना कोई अपना हुनर हुनर बाहर, आप दोनों ही अपनी ये जहमत पालो। अम्मी जान, अब्बू जान, एक बात कहें? बताइए। हमारी वजह से आपकी वीडियो वायरल हुई है और किसी ने हमको थैंक यू तक नहीं बोला। छोटे नवाब,
आपको थैंक यू कान पे चाहिए या गाल पे? बेगम क्या हुआ, आप अम्मी जान की बात से नाराज हो गए? आप उनके ताने सुन के हम वीडियो नहीं बनाएंगे। बेगम आप भी खामखा परेशान हो रही हैं। देखिए अम्मी जान को हम मना लेंगे, आप तो बस हमें ये बताइए कि हमें करना क्या है। अच्छा तो मियाँ एक और नया चैलेंज आया है, काम करो और नाम करो चैलेंज। इसमें अपने अपने पतियों से काम करवाना है और पत्नियों को अपना नाम करवाना है। मियाँ आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बड़ी भी मुबारक हो, अरे आपके जफर ने आज कमाल कर दिया। रहने भी दीजिए मास्टर जी, बस भी कीजिए। एक तो हम अपने बेटे जफर और सकीना की हरकतों की वजह से वैसे ही शर्मिंदा हैं। आप हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। अरे अब कमाल कर दी हो बड़ी भी, अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? अरे काश हमारे जमाने में ये सब होता, हम भी यही सब कर रहे होते। अरे हम तो कहते हैं हमें भी एक वीडियो बना लेना चाहिए भाई, बच्चों को भी अच्छा लगेगा और हमारी जिंदगी के ये दो चार दिन बचे हैं वो भी हंसते गाते बीत जाएंगे, क्या कहती हो? क्या तो आप सही रहे मास्टर जी, हमने भी जब जफर और सकीना का वीडियो देखा तो हमें जफर के अब्बा की बहुत याद आई। काश हमारे पास उनका भी कोई वीडियो होता तो कुछ और ही बात होती। अब तो सब यादें ही रह गई हैं पार्वती की। मास्टर जी रमेश की अम्मा का नाम तो मीना था ना? हाँ वो प्यार से पार्वती बोलता था। गुड्डू बेटा गुड्डू एक गिलास पानी लाओ। सुबह की डांट का अच्छा खासा असर हुआ है, इस बार अगर इम्तिहान में लटके तो हम नहीं जाएंगे स्कूल प्रिंसिपल साहब के सामने हाथ पैर जोड़ने, समझ लो। कौन से स्कूल में भर्ती करवाओगे जरा ये भी बता दो। अरे बाबूजी आप? दादाजी हमने आपकी वीडियो बना दी और ये पोस्ट भी कर दी, फिर आप देखना कितने फेमस हो जाएंगे। सवेरे इसीलिए तुम्हारे कान खींचे थे फिर बना रहे हो वीडियो सीडियो? अरे तो कौन सा पाप कर दिया उसने, हम ही ने कहा था उसको वीडियो बनाने के लिए। बाबूजी आपने इन बच्चों को बहुत सर चढ़ा रखा है और आपकी ही छूट का नतीजा है जो हम आज तक पान लगा रहे हैं। दादाजी ने भी आपको छूट दे रखी होगी तभी तो हमारा खानदान पानदान बन के रह गया है। बस तुमसे ना बात करनी बेकार है, देखो हमको जो कुछ करना था हम कर चुके, अब तुम अपना धंधा संभालो और उसको आगे बढ़ाओ। चलो गुड्डू बेटा हम लोग छत पर चल के वीडियो बनाते हैं, चलो। शांति शांति। अरे क्या हुआ क्यों चिल्ला रहे हो? आ तो रही हूँ। क्यों पहाड़ सर पे उठा रखा है? हमने तुमको मना किया था ना कि गुड्डू को मोबाइल मत दो, फिर क्यों दे दिया? दिन भर वीडियो बनाता रहता है। अरे हमें क्या पता, तुम्हारे पूजनीय बाबूजी ने दिया होगा, वीडियो बनाता रहता है। अरे वीडियो से हमको याद आया, ये अपने मिर्जा भाईजान और सकीना का एक नया वीडियो आया है ग्रुप में। अरे बड़े फेमस हो गए हैं ये लोग, लेकिन हमें तो बिल्कुल घटिया लगा। अरे शांति जी ये वीडियो सीडियो के चक्कर में ना पड़ो, आज हमने बाजार में देखा है लोगों को इसकी लत लग गई है और ये बीमारी शहर में बड़ी तेजी से फैल रही है। अरे लेकिन वीडियो का बीमारी से क्या लेना देना? ऐसी बीमारी है इसमें आदमी दिन भर वीडियो बनाता रहता है और एक समय के बाद पगला जाता है और फिर बिजली के झटके मार मार के उसका इलाज किया जाता। देखना बहुत जल्दी ये बीमारी हमारे पड़ोस वाले घर में भी आने वाली है। अरे नहीं मानेंगे तो आएगी ही और क्या। अरे लोग मुझे क्यों देते हैं तमाशा, फिर शुरू हो गया। ये मिर्जा भी जो है ना वीडियो बनाने के चक्कर में निकम्मा होता जा रहा है, भगवान ही इसका मालिक है।
एक बात कहें मिश्रा जी? बोलो। जब से तुमसे शादी हुई है ना, हमारी भी जिंदगी बिल्कुल नीरस ही हो गई है। अरे कोई रंग ही नहीं बचा हमारी जिंदगी में। तो तुम क्या चाहती हो? हम ऐसा कौन सा तूफानी कांड कर दें जो तुम्हारी जिंदगी में रंग आ जावे? हम क्या सोच रहे थे, क्यों ना हम भी मिर्जा भाईजान और सकीना की तरह अपने भी वीडियो बनाएं? अरे शांति, इतनी देर से समझा रहे हैं, आदमी पगला रहा है, इलाज नहीं है, तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा है? मिश्रा जी, तुम मानते हो हमारी बात या बदले अभी अपनी बिंदी? अरे देवी, बिंदी न बदलो, तुम जो कहोगी हम करेंगे, हमारी जिंदगी में भूचाल न लाओ। आप देखना, शांति मिश्रा की जोड़ी लखनऊ की सबसे फेमस जोड़ी होगी और वीडियो तो हम ऐसा बनाएंगे कि इतिहास रच देंगे।